नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केजरीवाल बोले, शाह को पीएम बनाएंगे मोदी, शाह का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि पीएम मोदी 75 साल के होने वाले हैं, अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल के दावे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, पार्टी में इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सीएम योगी बोले, राम मंदिर की तर्ज पर अन्य विरासत भी वापस लेना है। सीएम योगी ने कानपुर में कहा कि राम मंदिर की तर्ज पर अन्य विरासत भी वापस लेना है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करना है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है और कोई छेड़ देता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। देश में चौथे फेज की वोटिंग के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। कुवैत के अमीर ने देश की संसद भंग की, कहा यह मुश्किल फैसला। कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद भंग कर, उन्होंने कहा कि मैं देश के लोकतंत्र के गलत इस्तेमाल की अनुमति नहीं दूंगा। अल सबा ने देश के सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और कई कानूनों को भंग कर दिया है। सबकी देखरेख में इसी साल अप्रैल में कुवैत में चुनाव हुए थे। ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन, तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत को एक आईपीएल मैच के लिए बैन कर दिया गया है। उन्हें तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए बैन के साथ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं टीम के इम्पैक्ट प्लेयर सहित पूरी प्लेइंग 11 पर मैच फीस का 50% जुर्माना या 12 लाख का फाइन लगा है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस इस भरोसे में न रहे कि मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने उड़ीसा के कंधमाल में कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को पार्टी देश के संसद में विपक्ष भी नहीं बन पाएगी। मैं कांग्रेस को 2 चूक कहूंगा कि वो इस भरोसे में न रहे कि भारत का कोई मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। पीएम ने स्टेज पर पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के पैर भी छुए। करीना कपूर को एमपी हाई कोर्ट का नोटिस, प्रेगनेंसी बाइबल को तीसरा बच्चा कहा था। करीना कपूर खान को उनकी किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल के लिए एमपी हाई कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने किताब की ऑथर अदिति शाह भीमजियानी अमेजन इंडिया और जगन्नाथ बुक्स से भी जवाब मांगा है। करीना ने 9 अगस्त 2021 को प्रेगनेंसी पर लिखी बुक लॉन्च की थी, उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा कहा था। बेगूसराय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान को आरक्षण भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहिए। असम सीएम बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि रीट एग्जाम बंद होने की सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट गलत है, एग्जाम होता रहेगा। शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चलती बाइक पर कपल का रोमांस, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में NH43 पर चलती बाइक पर कपल रोमांस करता हुआ नजर आया। उनकी बाइक के पीछे जशपुर के SP शशि मोहन सिंह की गाड़ी चल रही थी। SP ने कपल को रोका, इसके बाद उनका चालान काटा गया। कपल के रोमांस वाला वीडियो। ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन, तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत को एक आईपीएल मैच के लिए बैन कर दिया गया है। उन्हें तीसरी बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए बैन के साथ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं टीम के इंपैक्ट प्लेयर सहित पूरी प्लेइंग 11 पर मैच फीस का 50% जुर्माना या 12 लाख का फाइन लगा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार।